ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। ओके, ये भी आपके एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे नेट में और सेट में ही दोनों ही जगह क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको एक फंक्शनल दिया रहता है और कुछ सब्जेक्ट टू दूसरा फंक्शनल दिया रहता है, और इन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करके हमें काम करना होता है। तो बस यही था आइसोपेरीमेट्रिक, इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या बोला, इन दिस सेक्शन, इसको लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, इन दिस सेक्शन वी हैव टू एस्टिमेट, वी हैव टू एस्टिमेट द फंक्शनल, द का मतलब जो गिवेन फंक्शनल है, द गिवेन फंक्शनल, इन दिस सेक्शन वी हैव टू एस्टिमेट द गिवेन फंक्शनल, वी हैव टू एस्टिमेट द गिवेन फंक्शनल, कुछ एज्यूम कर लीजिए उसका नाम ए है। ओके, ए कुछ गिवेन फंक्शन जिसमें एज्यूम कर लीजिए कुछ इस टाइप से दिया, हम लोग ए से बी लेते थे, कुछ स्मॉल लेते एक्स वाई और वाई डैश डी ए। ओके, हमारे पास कोई एक एक फंक्शनल होता था। ओके, और यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, इसमें क्या होगा, एक्सटिमाइज करना होगा इस फंक्शनल अब सब्जेक्ट टू दूसरा फंक्शनल। ओके, तो हो जाएगा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, कुछ मान लो एक हमने जे के लिए किया तो आई के लिए किया, तो हमारे पास जो है जे ऑफ वाई एक्स ए गिवेन, मतलब आपको क्वेश्चन क्या होगा, एक गिवेन रहेगा और उसकी हेल्प से एक एक फंक्शनल होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा कि उस फंक्शनल पे एक्सटर्नल वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो ये इसका नेचर रहता है। ठीक है, ए एज्यूम कर लीजिए कुछ के दिया रहेगा, तो इसको इक्वेशन टू मान लीजिए। अब इन दोनों की हेल्प से आपको एक्सटर्नल बताना है, इसका मेथड क्या है। इसका जो मेथड है इसमें क्या करना होगा, जैसे हम लोग लैग्रेंजियन पढ़ते थे कैलकुलस में, शायद किसी को कैलकुलस याद हो, तो कैलकुलस में या रियल एनालिसिस में भी ऐसा कुछ पोर्शन है जहाँ पे हम लोग एक जगह बात करते हैं, वो क्वेश्चन जब मैं रियल करवाऊंगा तो उस टाइम आप लोग को दिखेगा, वहाँ भी ऐसे रिलेशन एस्टेब्लिश करते टू टू वेरिएबल्स में था। अच्छा, उसको खैर छोड़िए, उस इसमें क्या होता है, मेथड ले लीजिए, फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्या जब आपको एक्सटर्नल फाइंड आउट करना हो, कब, जब दिया हो क्या एक दूसरा फंक्शनल दिया हो जिसपे कुछ कंडीशन हो उसकी हेल्प से। सो फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट ए न्यू फंक्शनल। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए न्यू फंक्शनल, आपको बस एक क्या करना है, न्यू फंक्शनल बना देना है। कैसे बनाओगे, उसके लिए क्या करना होगा, न्यू फंक्शनल ए टू बी एच एक्स वाई वाई डे। अब आप सोच रहे होगे कि एच बीच में कहाँ से आ गया, बिल्कुल सही आपने सोचा, तो ए एच आपका क्या है, वेयर जो एच है, चलिए हम लोग फर्स्ट टाइम में तो वेरिएबल्स का भी नाम दे रहा हूँ, ये साफ सुथरा पता नहीं क्यों नहीं लिखा पा रहा हूँ। ओके, वेयर एच एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू क्या, हमें किसका निकालना है, एफ का। ठीक है, एक्स वाई वाई डैश लेमडा टाइम्स गिवन क्या है, हमें यहाँ पे जी दिया हुआ था, उस जी को ले लीजिए, जी एक्स वाई वाई डैश, इन शॉर्ट में बोले दैट इज एच इक्वल टू क्या करना है आपको, एफ प्लस लेमडा टाइम्स जी, हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। तो होता क्या है आपको, सॉरी, आपको एक एक्सटर्नल दिया होता है। ठीक है, आपको एक एक्सटर्नल दिया रहेगा, सॉरी एक फंक्शनल दिया रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्सटर्नल निकालना होगा जहाँ पे एक दूसरा फंक्शनल दिया रहेगा जिसमें कुछ रिलेशन हो, उनकी हेल्प से हमें ये करना होता है। ये बहुत ही आपके कंपटीशन पर्पज से यूजफुल है, और इसकी बस इतनी थ्योरी थी।
इसमें आपको बस ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेना है। अगर आप ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं तो आपका काम इजीली हो जाएगा। अगर आप रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर, मतलब ये तो इजीली हो जाएगा, अब जब आपको यहाँ से पता चल गया तो काम खत्म। हमने आयलर इक्वेशन पढ़ा था, बस आयलर इक्वेशन इस पर लगा दीजिए। आयलर इक्वेशन के दो मेथड पढ़े थे, एक अल्टरनेटिव मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा, नाउ अप्लाई, नाउ अप्लाई आयलर इक्वेशन, ठीक है। तो अब अगर आयलर इक्वेशन एच पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, डेल, वहां पे एच था, एफ था, अब एच हो गया, इसका क्या कर रहे थे वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस, फिर क्या कर रहे थे डी वाई डी एक्स था, वहां पे किसका था एफ का था, अब हमारा किसका होगा एच का होगा, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में वाई डेस्क के रिस्पेक्ट में, ये क्या होता था इक्वल टू जीरो था। तो बस अब ये करके ए टू जेड आपको सेम करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसकी हेल्प से मैं दो तीन क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए, वो करना है। बहुत ईजी है मेथड, आप देख लीजिए कैसे मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होता है। क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे बात तो बन जाएगा बट कोई ईजी से मैं क्वेश्चन आपको देना चाह रहा, ओके ले लीजिए, गिवन दैट, गिवन दैट गिवन कर लीजिए कि 0 to 1 वाई डी एक्स इक्वल टू 3 एंड कंडीशंस क्या है, वाई 0 पे 1 है, वाई 1 पे कुछ 6 है, ओके, देन फाइंड द एक्सट्रीमल, फाइंड द एक्सट्रीमल फॉर, इसके लिए अब यहाँ पे हमारे पास आगे 0 to 1 वाई डेस स्क्वायर डी एक्स सेटिस्फाइंग एबव कंडीशन क्या था, जो आपका एबव कंडीशन था कि ए जो होगा ए दिस थिंग होगा, दिस थिंग एंड दिस थिंग। अब इसको कोरिलेट करिए अपने प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों को। जस्ट पहले हमने किया था कि आपको क्या रहेगा, एक गिवेन रहता है, ठीक है, और हमें एक्सटर्नल बताना होता है। तो मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगा, यहाँ पे शायद आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगा कि इन दिस सेक्शन वी हैव टू एक्सटर्नलाइज द गिवेन फंक्शनल दिस, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट ए टी है, यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, ठीक है, यहाँ पे एक आप कंडीशन दिया, इसके ऊपर इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल निकालना है, ठीक है, इस क्वेश्चन से समझते हैं, इस फंक्शनल के ऊपर इस फंक्शनल का इस गिवन कंडीशन के साथ एक्सट्रीमल निकालना है, ओके, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या गिवेन है, क्या करना है, बस क्विकली हो जाएगा फटाफट, ओके, तो आपका हो गया हियर, इसको हमने जी माना था ना, यहाँ पे जी हो गया वाई, एफ क्या हो जाएगा ए था, ए हो जाएगा आपका वाई डैश, ओके, यहाँ से एच क्या बनेगा, हमने पढ़ा था एफ प्लस लेमडा टाइम्स जी, दैट इज एफ हो जाएगा आपका वाई डैश स्क्वायर प्लस लेमडा, और जी आपका क्या है वाई है, तो ए हो जाएगा वाई, ठीक है, तो ए यहाँ से आपको पता चल गया। अब इस पर आयलर इक्वेशन लगा दीजिए, शो सो बाय आयलर इक्वेशन, अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा प्लस डी बाई, सॉरी प्लस नहीं माइनस होता है ना, तो डी चला माइनस होता है इतना, और इसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में हो जाएगा टू वाई डैश इक्वल टू जीरो, ओके, लेमडा है तो दूसरे साइड जा क्या बन जाएगा ए डी बाई डी एच टू वाई डैश इक्वल टू लेमडा, ओके। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देते हैं,
इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू को उधर ही लेमडा सेट ले जा रहे हैं, सही रहेगा। तो वाई डैश यहाँ से बन जाएगा आपका लेमडा वाई कर देते हैं, तो लेमडा बाई टू एक्स प्लस सी कोई क्या है, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है। ओके, तो ए आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा वाई निकल गया, वाई डैश निकला है अभी तो, यहाँ से वाई फिर निकालिए तो वाई क्या हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए तो लेमडा बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स, फिर से कुछ इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक एक्सट्रीमल निकल गया, वो जो है ए चीज होगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास इसमें कुछ अननोन भी रह गया, कौन सा, सी और डी, उन सी और डी को हटाना भी होगा ना। तो अब हम यूज करेंगे गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या था आपका, जीरो पे वन था एंड आपका वन पे सिक्स था कुछ। ठीक है, अप्लाई करिए तो वाई जीरो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, तो डी इक्वल टू वन हो गया। उसी तरह अगर वाई वन आप लिए, ठीक है, तो वाई वन क्या हो जाएगा, लेमडा बाई टू सॉरी इंटू टू प्लस सी, और डी आपका क्या हो गया यहाँ से प्लस वन। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके है, सिक्स। यहाँ से आपके पास लेमडा और सी दो टर्म रह जाएंगे, चलिए हम सी ही निकाल लेते हैं क्योंकि लेमडा को तो हमने लिया हुआ था, तो सी हो जाएगा इधर का फाइव, फाइव माइनस लेमडा बाई फोर। आप लोग देखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ओके, तो अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें, अब हमका हमारा वाई क्या आ गया, वाई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या था हमारा, फाइव माइनस लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर इतना टाइम्स एक्स प्लस डी क्या था, वन था। अब यहाँ से आपका क्लियर कट एक्सट्रीमल आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ अभी भी एक अननोन प्रेजेंट है, क्या है वो, लेमडा। तो अब हमारे पास दिया हुआ है कि ए जो गिवन कॉन्स्टेंट था उसमें इसको पुट करिए और वहाँ से सॉल्व करिएगा तो आपको लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज हमें क्या करना है, नाउ पुट दिस वाई एक्स, इसमें आप पुट कर देंगे जो हमारा इंटीग्रेशन दिया था, कहाँ से दिया था, जीरो से वन, वाई का था जो इंटीग्रेशन ए था डी एक्स ए इक्वल टू थ्री था। ओके, अब यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो टू वन लेमडा बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस लेमडा बाई फोर, ओके लेमडा बाई फोर एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्टली, तो इधर हो जाएगा लेमडा बाई ट्वेल्व एक्स क्यू प्लस इधर हो जाएगा फाइव माइनस लेमडा बाई फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, और ये हो जाएगा जीरो टू वन इक्वल टू थ्री। आप लोग अपना कैलकुलेशन करते रहिए क्योंकि एक कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, इसे डेफिनेटली नेट में तो क्वेश्चन फिक्स ही है कि हर हाल में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट्स रख दीजिए, जो भी वन रखेंगे तो पूरा वन, जीरो पे तो सारे जीरो आ जाएंगे तो जीरो का कोई मीनिंग नहीं, डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। अब जो आपका बचा लिख तो मेरा आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है, सो ये स्लोली लिख रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा जब आप रखेंगे तो लेमडा बाई ट्वेल्व प्लस फाइव माइनस लेमडा बाई फोर इंटू वन बाई टू प्लस वन माइनस जीरो इक्वल टू थ्री। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा फाइव, अच्छा लेमडा वाला एक साइड रख लेते हैं, बिना लेमडा वाला एक साइड, तो हो जाएगा थ्री माइनस टू बाई फोर लेमडा। ओके, तो इसको लेमडा बाई फोर माइनस लेमडा बाई एट, ठीक है माइनस प्लस फाइव बाई टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए तो चार दिनों के बाद लेमडा माइनस
two lambda कैलकुलेशन आपको बस सही रखना है। तो यहाँ पे आपका एक सेकंड पेन काम कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका सॉरी लेंडा है ना, लेंडा लेंडा को मैं कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्टली, तो नीचे 24 हो गया और ऊपर हो जाएगा आपका 2-3 ठीक है। और इधर डायरेक्टली हम लोग कर दे रहे हैं तो 3 से गया 2-5/2 डेट इज -1/2। आई थिंक मेरा कैलकुलेशन सही होगा, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू -1/2 × 24/-1 डेट इज +12। अब जब आपको ए पता चल गया तो आप डायरेक्टली वाई निकाल सकते हैं ओके। अब वाई एक्स आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे अच्छा यहाँ से लेमडा आ गया तो यहाँ से आपका सी भी निकल जाएगा, सी क्या था 5-λ/4 डेट इज 5-3 = 2। तो आपको सी भी पता चल गया और लेमडा भी पता चल गया, सो आपका एक्सट्रीमल क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सट्रीमल हो जाएगा y इक्वल टू था यही वाला है ना, तो लेमडा बाई 4 हो जाएगा आपका, लेमडा था आपका 12 तो लेमडा बाई 4 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² + c था आपका 2 तो हो जाएगा 2x + 1। आई थिंक सही है 3x² + 2x + 1 ये आपका हो गया रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ओके। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल है, तो आप मेथोडोलॉजी सीख गए कैसे करना था। अब कुछ आस्क क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ए टू जेड ऐसा है ठीक है। तो एक क्वेश्चन है 2019 का ओके, 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है ठीक है, ये 4.75 मार्क्स में। इसमें भी देखिए द मिनिमम वैल्यू मतलब एक्सट्रीमल, आपको एक्सट्रीमल निकालना है ऑफ द फंक्शनल, ये जो फंक्शनल दिया हुआ है ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देर पहले यही कर रहे थे ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शनल का निकालना है किसका, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, वही वाला ए दिया हुआ है और इसमें दो कंडीशन दिया हुआ था, हमने ए टू जेड वही किया था। देखिए ये 4.75 मार्क्स में पूछा हुआ लास्ट टाइम 2019 दिसंबर में, और एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है आपका कब का, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 2014 दिसंबर। बिल्कुल सही, आपने यहाँ पे देखा होगा कि फाइल ओपन है, एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए एक्चुअली क्या दिया हुआ है, y²dx दिया हुआ है और यहाँ पे y²=a1 दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना 0 to π में। अब ये देखिए 2014 में ही क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, 2014 का क्वेश्चन ए रहा आपका, इसको देखिए यहाँ पे भी 0 to π दिया हुआ है, यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन दिया हुआ y²=1। मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर में हमारा था एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ पूछ रहा है, ए टू जेड वही है, यहाँ पे भी आपको एक्सट्रीमाइजिंग एक्सट्रीमल फंक्शन निकालना है इसका, तो इसमें अब यहाँ पे समथिंग कंडीशन दिया तो आपको देख लेना है। अच्छा मैंने कुछ और हिंट्स आपको दिए थे, हिंट क्या दिए थे कि जो एक्सट्रीमल होता है बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है, अगर इनमें से कोई इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूँ y0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा, अब इसमें x=0 रखिए तो क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो ए हो जाएगा √2/π ठीक है। मतलब इसमें आप रखेंगे तो ए दे देगा √2/π और cos0 का वैल्यू कितना होता है 1, ये क्या हुआ 0 = 1 नहीं हुआ ना, 0 = 1 नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन 3 डिस्कार्ड हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये ट्रिक आपको फॉलो करना है, जितना भी अब तक हमने बताया था आप डायरेक्टली उन ट्रिक्स की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं ठीक है। तो देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, और वैसे ही देखिए फोर्थ ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस टेंस में आ जाएगा, हमारा ये एक्सटर्नल जो है इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा ना, सेटिस्फाइंग दिस दिस एंड दिस,
तो इसी पे ये दोनों फेल्ड हो गया था। अब आपको सिर्फ किस पे टेस्ट करना है, ये दोनों पे टेस्ट करना है, ठीक है। तो या तो आप ऑप्शन के थ्रू चलिए, ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो क्या होगा, अब इस दोनों को इसमें रख के देखिए, अगर दोनों में ही वन आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्रू है। बट एज्यूम कर लिए कि अगर आपका सेकंड नहीं सेटिस्फाई किया तो सेकंड डिस्कार्ड हो जाएगा, तो जब तीन डिस्कार्ड हो गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ट्रू हो जाएगा। आंसर करेक्ट क्या है मुझे नहीं पता, बट आपको मैं मेथड बता रहा हूँ कौन सा मेथड फॉलो करना है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपका क्या होमवर्क रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन खोजना है और सोल्यूशन करना है, ठीक है। और इनका सोल्यूशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा सेपरेटली, सोल्यूशन मैंने रिटेन में तैयार कर लिया है। आपको बस ट्रिक फॉलो करना है, ट्रिक डायरेक्टली जैसे बताया ये सब देखना है और केयरफुली करना है। आपको देखने में लेंदी लग रहा होगा लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक क्या है, जो हमने लेक्चर्स में पढ़ा है, क्या ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बस उसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके आगे भी, इसमें तीन क्वेश्चन पूछे मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था। तो आज के लिए बस इतना है, लास्ट में एक दो आपका वीक मिनिमम और मैक्सिमम वाला बच रहा है तो उसको भी हम लोग सेपरेटली क्लास लेके कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू।